हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। वैसे मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को भी बताऊँ। तो आज मैं बनाऊँगी, देखिए आज मैं बनाने वाली हूँ मिर्चा अचार। तो कैसे बनाती हूँ आप देखिएगा। बड़ा वाला मिर्चा नहीं, सिंपल नॉर्मल ऐसे मिर्चा। तो ये मिर्चा है, इसको मेरा भाई धो दिया है और सुखा रहे हैं। उसके बाद अभी मैं इसका डंटी को निकालूंगी। डंटी निकालने के बाद इसको बीच से काटना है, फिर नमक और हल्दी देना है। उसके बाद ये मसाला, चार मसाला होता है, उसको सबको भूंज के पीसना है। फिर गरम सरसों तेल को गरम करना है, फिर मसाला डालना है, फिर मिर्चा को डालना है, मिक्स करना है और बस फिर डब्बा में डाल देना है। तो मैं बनाती हूँ, चलिए आप लोग देखिए। पहले तो मैं अभी डंटा तोड़ूंगी। कुछ पहन लेना चाहिए ना, क्योंकि फिर लहरेगा। और जिसको जिसको मतलब मिर्चा अच्छा लगता है, तीखा बोलने का मतलब तीखा खाना पसंद है, तो वो लोग बनाइएगा, क्योंकि मेरे को तो यार बहुत पसंद तीखा। अगर खाने में तीखा नहीं रहा ना तो मैं नहीं खाती हूँ ऐसा सादा। तो मेरे को तीखा बहुत पसंद, तो मैं खाऊंगी। कोई नहीं है मेरे घर में, कोई नहीं है। मेरे को लगा कोई आ गया, नहीं आया। तो ठीक है गाइस, मैं बनाती हूँ। बाप रे, काटना समझ रहे हैं। तो मैं बैठ के करती हूँ आराम से। पता है रात में बनाऊंगी बोली थी, लेकिन रात में मैं बस डंटी निकाल के छोड़ दी थी। तो आज मैं उठी और फिर उठने के बाद मैं ये मिर्चा को ऐसे काटती हूँ बीच से, ऐसे सब मिर्चा को काटती हूँ। काटने के बाद थोड़ी देर में सुखाऊंगी, तो सुखा देते हैं यहाँ। सुखाने के बाद मसाला भूंजूंगी, फिर गरम तेल, सरसों तेल को गरम करके मसाला डाल के हो जाएगा। यार मुझको कितना खाने का मन कर रहा है, इतना तीखा, और लेकिन बनाने में तो रही नहीं। धीरे धीरे ऐसा मन ही नहीं करता यार, क्या करूँ। तो अभी मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी। तो गाइस, मैं ना आज तक अचार नहीं बनाई हूँ, तो मैं अभी बनाऊंगी। यार कितना दिन से मैं बना रही हूँ पता है। तो मैं कढ़ाई धो ली हूँ, तो ये है मसाला। मेरी मम्मी सुबह में ही अचार मसाला जो ऐसे मिलता है गोटा, उसको भूंजी और पीस दी है। और ये है मिर्चा। तो अभी मैं यहाँ सरसों तेल डालूंगी, फिर गरम हो जाएगा, फिर ये अचार मसाला को डालेंगे, फिर मिर्चा को डाल देंगे, उसके बाद ये डब्बा में बंद कर देंगे। तो ठीक है, डालते हैं। तो इतना तेल डाली हूँ और नमक डालना है बस। तेल गरम होगा, अच्छे से गरम करना है।
चार मसाला, मिर्चा और नमक। वेट करती हूँ कब होगा गरम। कब से मैं बनाऊंगी मतलब बनाती ही नहीं थी, रोज आधा आधा ऐसा करके। आज भी मन नहीं कर रहा था, फिर सोचा अरे डाल देती हूँ, कितना दिन ऐसे ही रहेगा, ये सूख भी गया। कितना टेस्टी लगेगा, तीखा। मैं सो रही थी। सरसों तेल डालूंगी ये डब्बा में, मम्मी सुबह में ही धो दी मेरा ये डब्बा को। मैं ऐसे ना मतलब मिर्चा चार पहले कभी बनाई भी नहीं हूँ, और ऐसे मतलब कहीं देखी भी नहीं वीडियो में, या फिर ऐसे नहीं देखी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे मन कर रहा है तो देखते हैं। मतलब सब अचार को तो ऐसे ही बनाया जाता है, तो मैं सोची कि मिर्चों को भी ऐसे ही बनाते हैं, चलो बोल के मैं बना रही हूँ, कैसा लगता है। वैसे भी मिर्चा तो मेरे को पसंद ही है तीखा, जैसे भी लगे मैं खाके ख़त्म कर ही लूँगी। ना ज्यादा तो बहुत ज्यादा लग रहा है मसाला। मैं अभी डाली मसाला, फिर डालूंगी नमक। नमक फिर अब डाल रही हूँ मिर्चा, लेकिन थोड़ा ठंडा होने देती हूँ शायद। तेल ज्यादा हो गया नीसू, मैं ना तेल थोड़ा सा ज्यादा ही डाल दी। पूरा तेल तेल लगे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये देखिए
इतना मसाला मैं बचा ले। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद मैं डाल दूंगी डब्बा में और मैं शाम में खा के बताऊंगी कैसा लग रहा है अचार। और इसको धूप में सुखाना है, धूप में रखना है, सुखाना बोलते हैं, धूप में रखना है।